Hi everyone, how are you? I hope you all are enjoying your holidays. Now your study time. So everyone, open your grammar book, page number 35, chapter number 12. It's a new chapter, use of apostrophe S. This is apostrophe S. इसको कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जब आप सेंटेंस में करोगे तो आपको भी एपोस्ट्रॉफी यूज करना है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेंटेंस मेकिंग के लिए भी और इसके मीनिंग समझने में भी, क्योंकि जैसे नॉर्मली देखिए सेंटेंस को रीड करिए, ग्रेसी हैज अ बिग बैग, ग्रेसी के पास एक बड़ा सा बैग है। नाउ इसको अगर हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज करके बोलेंगे सो कैसे हम लोग रीड करेंगे, ग्रेसीज बैग इज बिग, ग्रेसी का जो बैग है वो बिग है। सो बैग बिलोंगिंग टू ग्रेसी, बैग बिलोंगिंग टू ग्रेसी मतलब ग्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं ये बैग। द ईगल हैज शार्प आईज, हम सबको पता है ईगल का जो आईज है वो बहुत शार्प है। सो यू से द ईगल हैज शार्प आईज, जब हम लोग एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे सो कैसे हम लोग सेंटेंस में करेंगे, द ईगल्स आईज आर शार्प, द ईगल्स आईज आर शार्प, आईज इज ऑफ द ईगल मतलब ईगल के आंखें। सो एपोस्ट्रॉफी इज। थर्ड, द पायलट हैज अ स्मॉल कैप, द पायलट हैज अ स्मॉल कैप, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पायलट है इसके जो कैप है वो स्मॉल बोल रहे हैं। सो द पायलट्स कैप इज स्मॉल, एपोस्ट्रॉफी एस यूज हो गया। सो हैज को हम लोग हटा सकते हैं, ई को हटा सकते हैं। सो हम लोग कैसे क्वेश्चन रीड करेंगे, द सेंटेंस रीड करेंगे, द पायलट्स एपोस्ट्रॉफी इज पायलट्स कैप इज स्मॉल। सो इसका जो मीनिंग है मीनिंग सेम ही रह गए कि यूनिफॉर्म बिलोंगिंग टू द पायलट, जो यूनिफॉर्म है इनकी यूनिफॉर्म में कैप भी आते हैं। सो ये कि ना पायलट के साथ बिलोंग करते हैं। सोहा हैज अ बिग डॉल, सोहा एक छोटी सी लड़की है, गर्ल है जिसके पास एक बिग डॉल है, बड़ा सा डॉल है। सोहास एपोस्ट्रॉफी एस, सोहास डॉल इज बिग, अब ऐसे ही बोलेंगे एपोस्ट्रॉफी एस आ गए तो हैज आ हम लोग हटा सकते हैं। सो सोहास डॉल इज बिग, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा कि डॉल पहले आ गया आप बिग बाद में चले गए, इज बिग। डॉल बिलोंगिंग टू सोहा, जो सोहा है उसके साथ जुड़े हुए हैं क्या डॉल। सो वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद अ नेमिंग वर्ड, आप देख ही सकते हैं कि ग्रेसी एक नेमिंग वर्ड, एक लड़की का नेम है। देन ईगल, ईगल एक बर्ड का नेम है। पायलट ये भी एक आप बोल सकते हैं कि कोई पायलट मीन्स कोई इंसानी होगा। सो इसके साथ इसका कैप बिलोंग कर रहे हैं। फिर सोहा ये भी एक नेमिंग वर्ड है, कोई एक गर्ल की नेम है। सो हम लोग यही देख रहे हैं कि नेमिंग वर्ड के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर रहे हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का बहुत सारी जगह में यूज होते हैं, बट आज जो हम लोग यूज करें ये जो यूज हो रहा है ये नेमिंग वर्ड के साथ ही यूज हो रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी जगह में यूज होते हैं जो दूसरे टाइप से भी हैं, लेकिन आप बहुत छोटे हो उसके भी आपको रीड करना है लेकिन बाद में। आज बस इतना ही जानी कि नेमिंग वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस कैसे यूज होते हैं। सो वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद अ नेमिंग वर्ड टू शो बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मीन्स जो उसकी चीज है उसको हम लोग बिलोंगिंग बोलते हैं, मतलब उसके मालिक भी आप बोल सकते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसी का ही वो सामान है ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आईज जो है वो ईगल का है, शार्प है, फिर ग्रेसी का बिग बैग है,
पायलट का है कैप है, स्मॉल कैप है, और अशोहा जो है उसका बिग डॉल के बारे में बोला जा रहा है। सो आप इतना ही आज रीड करिए और बहुत मन लगा के हर लाइन को रीड करिए। रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो आज नहीं समझ पा रहे, जो भी आपको पढ़ाते हैं आपके मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर, उनको पूछ लीजिए। नहीं तो जब भी आपको मन करे आप मैम की भी नंबर से मैम को कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आई। नहीं तो आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है, हम लोग हर टाइम आपके लिए रेडी है आपके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है सबके लिए, है ना। बाय बाय।